हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? कैसे आज की जो वीडियो होने वाली काफी मस्त होने वाली, क्योंकि गाइस जैसे कि आज आप देख रहे होंगे हमारे पीछे के दोनों स्कूटर खड़े हैं, जैसे कि टीवीएस एंटॉर्क 125 और दूसरा आप देखते हैं सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो गाइस वैसे आपने देखा होगा कि बर्गमैन के सामने एंटॉर्क का वीडियो तो बनाया ही है पहले, बट आज का जो वीडियो बनाने का हमारा कॉन्सेप्ट है, क्यों रखा हमने ये दोनों के दोनों गाइस आपको यहाँ बेस मॉडल देखने को मिलते हैं। मतलब कि जैसे आप देखेंगे टीवीएस में आपको एंटॉर्क में काफी ज्यादा मॉडल्स देखने को मिलते हैं, बट ये वाला जो आपको देखने को मिलेगा अभी बेस मॉडल पे मिलता है। वैसे ही आपको यहाँ सुजुकी बर्गमैन में देखेंगे तो ये भी आपका स्ट्रीट वाला, तो इसमें आपको ज्यादा मॉडल्स तो नहीं देखने को मिलते हैं, दो मॉडल देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका ये स्ट्रीट वाला मिल जाता है, दूसरा आपका ब्लूटूथ एडिशन मिल जाता है, तो ये वाला भी बेस ही मान सकते हैं। मतलब क्योंकि वहाँ दो ही वेरियंट में, दूसरा वाला जो नीचे का वेरियंट होता है वो वाला है। तो इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे, इसमें बताएंगे कि दोनों के दोनों बेस मॉडल्स में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, किस तरीके की स्पेस मिलती है, किस तरीके का माइलेज देखने को मिलता है आपको, इसका परफॉर्मेंस, इसका माइलेज, इसके प्राइसिंग वगैरह क्या है, सारी की सारी चीज़ आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो कंपैरिजन करते हैं बढ़िया सा, इसमें आपको बताएंगे कि यार क्या आपको बढ़िया मिलने वाला बेस मॉडल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए कंपैरिजन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ प्राइसिंग की बात कर लें तो दोनों के दोनों स्कूटर आपको बेस मॉडल में जैसे देखने को मिलते हैं, तो प्राइसिंग भी आपको यहाँ दोनों के सेम देखने को मिल जाती है। मतलब अगर आप आज के टाइम में इसको लेने को जाएंगे तो आपको 1,08,000 से 10,000 रुपये पे करने पड़ते हैं इन दोनों स्कूटर के लिए ऑन रोड। ये वेरी करता है कि आपकी स्टेट कौन सी है, वहाँ कौन से प्राइस अभी ऑन रोड चल रहे हैं, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी प्राइसिंग की बात करें तो यही आपको प्राइसिंग देखने को मिलेगी 1,08 से 10 के बीच में। तो इस तरीके से आप इनको परचेज कर सकते हैं। बाकी लुकिंग वाइज बात करें तो पहले एंटॉर्को का आप देख लीजिए, एंटॉर्को का जो लुक आता है ना वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेंगे। डल कलर में आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ ग्लॉस में आपको ये पैनल्स देखने को मिल जाते हैं, वाइजर मिल जाता है, कलर आपको इसमें मैट में नहीं मिलता, मतलब थोड़ा सा ग्लॉसी टाइप का कलर है, शाइनिंग मारता है, जैसे धूप में आपको दिख रहा होगा तो चमकते हुए दिख रहा होगा। कुछ यहाँ आपको इसके एंटॉर्क के ग्राफिक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, कुछ साइड से ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी आपको फ्रंट में इसमें डिस्क देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें दो मॉडल आते हैं बेस में भी, एक आपका डिस्क वाला आता है, एक आता है आपका ड्रम वाला। तो इसमें भी आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल जाएंगे प्राइस में। अगर आप इसके बेस मॉडल का विदाउट डिस्क वाला लेते हैं तो वो आपका थोड़ा और सस्ता पड़ जाएगा, बट हाँ इसमें दो वेरिएंट है तो ये डिस्क वाला भी हमारे सामने ऑप्शन पड़ा हुआ है। तो इसी तरह आप देखेंगे यहाँ बर्गमैन को, तो बर्गमैन का भी लुक इसमें अलग ही है, इसका जो है ना मैट कलर में आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आप ये देखेंगे मैट में मिलता है। वैसे ग्लॉस में भी कलर आते हैं इसके, लेकिन आप ज़्यादातर देखेंगे तो इसमें मैट में ही कलर सुजुकी बर्गमैन ऑफर करता है। कुछ ग्लॉस के एलिमेंट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अभी आप यहाँ इसका वाइजर देखते हैं, ये वाइजर आपका मतलब स्टॉक वाला नहीं है, ये आफ्टर मार्केट हमने लगवाया था। तो जैसे कि हम और भी वीडियोज़ में बताते हैं तो आप देख सकते हैं फोटोज़ वगैरह में कि इसमें कंपनी से कौन सा वाइजर आता था। बाकी आपको इस तरीके का कलर देखने को मिल जाते हैं। ग्राफिक्स का यहाँ सुजुकी ने ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ है, तो ये आपको ग्राफिक्स के मामले में थोड़ा कमी मिलता है, मतलब उतने ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं देखेंगे एंटॉर्क के अकॉर्डिंग। एंटॉर्क का आप और भी मॉडल देखेंगे तो ग्राफिक्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ यहाँ करा हुआ है। ये बातें हो जाती है लुक की, आपको कौन सा लुक पसंद आ रहा है वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। तो क्या जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों जो मॉडल्स हैं वो 2021 के हैं, थोड़ा बहुत अभी यहाँ 2022 में थोड़ा बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो अभी यहाँ देखेंगे आप इस वाले में इसकी जो हेडलाइट है आपको यहाँ हेलोजन में आपको देखने को मिलती है। इसमें उस समय पर एलईडी का सेटअप यहाँ नहीं दिया हुआ था, अभी यहाँ इसमें देखेंगे आप बर्गमैन में तो इसमें एलईडी का सेटअप उस टाइम में आपको मिल जाता था, अभी भी आपको एलईडी का सेटअप मिल जाता है। कुछ आपको यहाँ डीआरएल ऊपर से देखने को मिल जाती है इसमें, और इसका आप यहाँ पोजीशन लाइट देखेंगे तो आपको यहाँ नीचे मिल जाती है, तो ये भी आपको एलईडी में देखने को मिल जाती है। और ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग में आपको फ्रंट में डिस्क मिल जाता है और रियर में आपको ड्रम देखने को मिलता है। बाकी इसका ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि दोनों ड्रम वाला फीचर भी इसमें आता है, डिस्क और ड्रम का दोनों का ऑप्शन मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ बात कर लेते हैं व्हील साइज, आपको व्हील साइज किस टाइप का देखने को मिलता है, अलग किस टाइप के मिलते हैं वो डिजाइन भी हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए टीवीएस एंटॉर्क में इसका अलॉयज जो है वो नहीं, तो उसके डायमंड कट शेप में आपको देखने को मिल जाते हैं ब्लैक कलर में, 12 इंच का अलॉय साइज है इसमें आपको जो देखने को मिल रहा है। बाकी टायर साइज की बात करें तो 100x80 का टायर साइज यहाँ देखने को मिल जाता है ट्यूबलेस पे। अब वहीं बर्गमैन में देखेंगे तो आपको बर्गमैन में भी डिस्क का आपको फ्रंट में मिल ही जाता है, और दूसरा आपके अलॉयज देखेंगे आप, इसका अलॉय साइज भी थोड़े डिफरेंट है, मतलब डायमंड कट शेप में नहीं मिलते हैं, सिंपल आपको 5x4 अलॉयज आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट का जो साइज है वो 12 इंचेस का, टायर प्रोफाइल की बात करें तो 90x90 का टायर साइज देखने को मिलता है, ये भी आपको ट्यूबलेस में देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ में बढ़िया है, दोनों में ही आपको सेम प्रोफाइल देखने को मिलता है, मतलब फ्रंट का थोड़ा सा आपको टीवीएस एंटॉर्क में थोड़ा ज़्यादा चौड़ा टायर देखने को मिल जाता है अकॉर्डिंग टू बर्गमैन। अब रियर वाला टायर भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है रियर टायर में, तो वो भी देख लेते हैं। पहले आप देखेंगे टीवीएस एंटॉर्क में तो अलॉयज तो आपको वही डायमंड कट में मिल जाते हैं और 12 इंच का टायर साइज मिल जाता है, 110x80 का टायर प्रोफाइल देखने को मिलेगा। अब इसी की तरफ आप देखेंगे आपको सुजुकी बर्गमैन में, तो बर्गमैन में क्या थोड़ा सा अंतर क्या हुआ है, अलॉयज तो आपको वही देखने को मिल जाते हैं, लुकिंग वाइज सेम ही मिलता है, बट 10 इंचेस का अलॉयज करें, जैसे 12 आपने देखा था आगे वाले में तो 12 इंचेस का था, पीछे वाले में यहाँ आपको 10 इंचेस का मिल जाता है। टायर साइज की बात करें तो टायर साइज भी आपको थोड़ा सा पतला देखने को मिलता है, मतलब अकॉर्डिंग टू और करके देखें तो थोड़ा सा आपको पतला टायर देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके का प्रोफाइल आपको टायर में देखने को मिल जाएगा। बाकी आप बात करते हैं कि यार स्पेस कितना आपको इसमें देखने को मिल जाता है, स्पेस कौन सा ज़्यादा है यहाँ आपको स्कूटर देखने को मिलता है। तो पहले आप यहाँ देख लेंगे टीवीएस एंटॉर्क में, तो फ्रंट से बात करें तो ग्लव बॉक्स आपको नहीं देखने को मिलते,
दोनों साइड में आपको सिंपल रखा हुआ पूरा का पूरा, तो एक भी ग्लव बॉक्स आपको नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ हुक देखने को मिल जाता है आपको ये वाला, इसमें पॉलिथीन वगैरह कैरी कर सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको उतना ज़्यादा स्पेस नहीं देखने को मिलेगा, अगर आप चाहें सिलेंडर वगैरह हार्ड मटेरियल रखना चाहें तो उतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा, हाइट वाइज भी उतना नहीं मिलेगा, और ऐसे नीचे से रखना चाहेंगे तो उसमें भी उतना नहीं मिलता है। अब थोड़ा सा मैं आपको बूट भी दिखाता हूँ, बूट में कितना स्पेस मिलता है, और बूट को हमको यहाँ से ओपन करना पड़ता है इस तरीके से, तो हमारा बूट ओपन हो गया। और इसमें स्पेस देखेंगे ना, स्पेस के मामले में यहाँ फुल फेस हेलमेट तो नहीं आता है, हाफ फेस हेलमेट ही आप इसमें रख सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि हाफ फेस पहले से रखा हुआ है इसमें, तो इस तरीके का हेलमेट आप इसमें कैरी कर सकते हैं, फुल फेस नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ में आपको यहाँ पर थोड़ा लाइट वाइट मिल जाती है, और ये चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है यूएसबी का, तो ये बढ़िया रहता है यहाँ आपको। बाकी यहाँ स्पेस के मामले अभी हम आपको बर्गमैन में दिखाते हैं कि कितना मिलेगा। बाकी यहाँ फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं, फ्यूल टैंक आपको इसमें 5.8 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, जो कि मतलब स्कूटर के हिसाब से ठीक ठाक ही आपको मिल जाता है। अब चलते हैं बर्गमैन की तरफ, यहाँ कितना स्पेस मिलता है, किस तरीके का इसमें पोस्टर है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे इसमें आपको दोनों साइड में ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाते हैं। ये मिल जाता है आपको 1 लीटर की बोतल कैरी करने के लिए, तो काफ़ी बड़ा स्पेस यहाँ आपको मिलता है। दूसरा आपका हुक यहाँ मिल जाता है पॉलिथीन वगैरह कैरी करने के लिए। तीसरा आप देखेंगे तो ये काफ़ी सीक्रेट सा रखा हुआ है, ये ग्लव बॉक्स मेरे को काफ़ी पसंद आता है क्योंकि काफ़ी बंद बंद सा है। इसके अंदर आप देखेंगे तो यूएसबी चार्जिंग सॉकेट भी आपको देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। इसमें पर्स वगैरह फ़ोन वगैरह कैरी कर सकता है आराम से, और ऊपर से ये बंद हो जाता है तो ये काफ़ी प्रोटेक्टिव हो जाता है बारिश से भी और किसी का कोई सामान निकालने से भी। और फ्रंट का आप यहाँ का लुक देखेंगे, इसमें कितना स्पेस मिलता है, आराम से आप इसमें सिलेंडर वगैरह कैरी कर सकते हैं, इतना स्पेस इसके अंदर मिल जाता है। मतलब इतना स्पेस है कि एस टू एच ही मतलब सिलेंडर आता है इसमें, ज़्यादा मतलब गैप नहीं रहेगा, एस टू एच में आपका काम हो जाता है। बाकी इसका जो ये वाला सीन है ना क्रूज वाला, ये भी काफ़ी मस्त लगता है, चला राइडिंग पोजिशन में काफ़ी बढ़िया रहता है। बैठ के दिखा सकते हैं सर, बैठ के दिखा सकते हैं, काफ़ी रिलैक्स होकर आप इसमें राइड कर सकते हैं। तो पर्सनली मेरे को भी काफ़ी पसंद आता है ये वाला, इस तरीके देखिए इतना आपको लेंथ मिल जाती है बैठने के लिए। बाकी इसके बाद जब यहाँ पैर रख के आप चलाते हैं तो काफ़ी रिलैक्स वाला फील आ जाता है, इसमें रिलैक्सेशन काफ़ी बढ़िया आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये इस तरीके का आपको यहाँ मिल जाता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको बूट में कितना स्पेस देखने को मिलता है, बूट आपका यहाँ फ्रंट से ही ओपन हो जाता है, तो ये भी मैं आपको ओपन करके, तो इस तरीके से आप इसको आगे से ओपन कर सकते हैं। और यहाँ स्पेस की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा फुल फेस हेलमेट यहाँ रखा हुआ है, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो इस साइज़ का आपका फुल फेस हेलमेट, जो कि बहुत बड़ा साइज़ होता है, वो आपका आराम से आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको रख के दिखाता हूँ कि इसके बाद भी कितना स्पेस बच रहा है इसमें। ये रखने के बाद यहाँ देखिए ये स्पेस आपका काफ़ी ज़्यादा बच जाता है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, पॉलीथीन वगैरह सामान वगैरह, तो आपका ये बढ़िया होता था। तो ये चीज़ तो आपकी यहाँ होगी। अब इसके बाद आपको यहाँ मिल जाता है फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक आपको मिलता है इसमें 5.5 लीटर का, जो कि एंटॉन से थोड़ा सा कम है, मतलब वो 5.8 था, ये 5.5 है, बट उसका आपको फ्यूल टैंक बाहर मिलता है, इसका अंदर मिलता है। अब दोनों के फायदे नुकसान अपनी तरफ है, वो कभी कभार बरसात से थोड़ा दिक्कत देता है, बट बैठे बैठे आप उसको करवा सकते हैं फिल। इसमें क्या होता है, टैंक के नीचे होता है, सेव हो जाता है वाटर से, बट उतर के ही आपको करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको स्पेसियस ज़्यादा चाहिए या फिर किस तरीके से चाहिए। तो दोनों का स्पेस हमने आपको बता दिया कि किस किस तरीके का आपको देखने को मिलता है। स्पेस वाइज देखें तो स्पेस वाइज आपको बर्गमैन में काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाता है, ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाते हैं, तो इस तरीके का आपको यहाँ स्पेस के मामला मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी पावर और टॉर्क के किस तरीके का दोनों में देखने को। तो हम बात कर लें बर्गमैन की, तो इसमें आपको 8.7 PS की पावर देखने को मिलती है, 10 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। अब यहीं बात कर लें TVS एंटॉर्क की, इसमें आपको 9.25 PSP की पावर देखने को मिलती है, 10.5 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि आपने देखा कि यार पहले इसमें स्पेसियस जो है स्कूटर आपका बर्गमैन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाता है, बट आप पावर और टॉर्क की बात करें तो यहाँ इसमें एंटॉर्क आपको काफ़ी ज़्यादा पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करती है, मतलब कंपनी इसमें देती है कि यार पावर और टॉर्क कितनी है, कितनी ज़्यादा है, तो ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। अगर आपको पावरफुल स्कूटर चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, अगर स्पेसियस चाहिए तो उसकी तरफ जा सकते हैं। और अब बात कर लेंगे इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। वैसे मैंने आपको काफ़ी बार दिखाई दिया है, लेकिन अगर वैसे बेसिकली बात करूँ कि इस तरीके से आप सुजुकी बर्गमैन में जाएंगे, इसमें आपका जो इससे ऊपर का वेरिएंट है उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, बट आपका जो स्ट्रीट वेरिएंट है इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ नहीं देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ क्या है, ये TVS एंटॉर्क का बेस मॉडल है, इसमें आपको ये ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है। यहाँ आप देखेंगे स्मार्ट एक्स कनेक्ट का आपको ऑप्शन मिल जाता है, इससे आप अपना फोन कनेक्ट करके काफ़ी सारे फीचर्स का मजा ले सकते हैं। तो इसमें यह चीज़ का आपको फायदा मिल जाता है कि फीचर्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपको ज़्यादा फीचर वाइज देखने को मिल जाएगा। तो इसमें काफ़ी एडवांस फीचर आपको देखने को मिलते हैं जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ये होता है कि थोड़ा सा उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है बेस मॉडल में, तो वो भी काफ़ी बढ़िया हो सकता था। तो अगर आपको फीचर ज़्यादा चाहिए तो तब आप इसकी तरफ जा सकते हैं। और बाकी जो जो चीज़ें हैं उसमें आपने देख ली है, तो गाइस जैसे कि आपने देख लिया कि सारी की सारी चीज़ें हमने आपको दोनों में कंपैरिजन करके बता दी हैं, किसमें आपको क्या चीज़ बेटर मिलती है, किसमें क्या चीज़ आपको बेटर मिलती है। अगर मैं बात करूँ अपने ओपिनियन की, मेरे को कौन सा स्कूटर ज़्यादा पसंद होगा लेने के लिए, मेरे पास दोनों के लिए अलग अलग पॉइंट्स हैं किस तरीके से इसको लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं यार ज़्यादा स्पेस चाहिए आपको, घर के लिए चाहिए, सामान वगैरह में कैरी करने के लिए चाहिए, साथ में आपको थोड़ा लुकिंग भी बेटर मिल जाए, तो उसमें आप बर्गमैन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस स्कूटर है। लुकिंग आप देखेंगे लुकिंग वाइज भी काफ़ी बढ़िया है, मैक्सी स्कूटर है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। मगर आपको चाहिए एक स्कूल कॉलेज के लिए थोड़ा सा एक कॉम्पैक्ट साइज़ का स्कूटर, जिसमें आपको पावर ज़्यादा मिल जाए, थोड़े फीचर्स ज़्यादा मिल जाए, और ब्रेकिंग अच्छी मिल जाए, थोड़ा फ्यूल टैंक आपको ज़्यादा बड़ा मिल जाए,
तो उसके अलावा आप यहाँ जा सकते हैं टीवीएस एंटॉर्क में। बजट जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों का प्राइसिंग वगैरह सेम ही है बेस मॉडल के। अब आप इसके हायर वेरिएंट लेना चाहते हैं और उनका बजट नहीं बन पा रहा है क्योंकि उनमें भी आपको सेम फीचर ही देखने को मिल जाते हैं टीवीएस एंटॉर्क के, उतना ज्यादा आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। तो आप इसके बेस मॉडल में जा सकते हैं और ये वाला मॉडल खरीद सकते हैं। इसमें आपको पावर सेम मिलती है, फ्यूल टैंक सेम मिल जाता है, ब्रेकिंग सेम मिल जाती है, टायर साइज भी आपको सेम मिलता है, तो सारी की सारी चीजें आपको सेम मिल जाती है। तो अगर आपको उस तरीके से चाहिए स्कूल कॉलेज के लिए और कॉम्पैक्ट टाइप का स्कूटर चाहिए तो आप टीवीएस एंटॉर्क की तरफ जा सकते हैं। तो दोनों के अलग अलग अपने अपने फायदे हैं क्योंकि यार कई लोगों को चाहिए होता है स्पेसियस स्कूटर, कई लोगों को स्पेस का ज्यादा जरूरत नहीं होता, उनको पावर और परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा चाहिए होता है, तो वो टीवीएस एंटॉर्क की तरफ जा सकते हैं। तो यही था मेरा ओपिनियन यार, किस तरीके से आप इसको परचेज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कौन से में आपको ज्यादा चीज़ बेटर मिलती है, किसमें कम मिलती है, तो वो चीज़ आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और कुछ भी अगर आपके डाउट रहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यार इस तरीके का डाउट हमें है, तो हम उसका कमेंट में रिप्लाई कर देंगे और आपको बता देंगे कि यार इसमें क्या चीज़ आपको जो डाउट्स है वो क्लियर कर देंगे आपके। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। वीडियो पसंद आएगी गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। हम मिलते हैं आपसे ऐसी नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।